हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.5 को देखने वाले हैं। ओके, देखिए आपका ये रहा प्रश्नावली 4.5, दिख रहा है ना? ये आप लोग का है। और इससे पहले जो हम लोग का प्रश्नावली 4.5 में जो भी हम लोग का थ्योरी, फार्मूला, कंसेप्ट, एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी था, हम लोग इससे पहले पढ़ लिए हैं। यदि आप नहीं पढ़े तो पहले जाकर के थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़िए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़िए, तभी आप इस प्रश्नावली को सॉल्व करिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कोई भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज पढ़ाते हैं, उससे पहले उस एक्सरसाइज में क्या क्या नीड है वो सारा चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट को, सभी हमारे दोस्त लोगों को समझ में आए कि हाँ, कि इस प्रश्नावली में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा करते रहते हैं, और आप लोग हमेशा इस तरह से पढ़िएगा और उसके बाद एक्सरसाइज करिएगा, तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कंसेप्ट सब भी समझ में आते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्रश्नावली 4.5 आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग पहले जो हम पढ़ाए सारा चीज पढ़े होंगे, तो आप लोग मेरे से भी पहले आप बना सकते हो। ये हकीकत है कि आप मेरे से भी पहले इस एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हो। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब कि यदि आप थ्योरी कंसेप्ट फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप 60% सॉल्व कर लोगे, 40% नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, न्यू न्यू चीज रहता है, तो हम डिस्कस करा ही देते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, थ्योरी कंसेप्ट फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर, प्रश्नावली पर ध्यान देना है। ये तो अपने आप हो जाता है, यदि वो अच्छा होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 4.5। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका थ्योरी कंसेप्ट फॉर्मूला एग्जांपल सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 4.5 का। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है और 2, मतलब देखो 1 और 2 दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आप सखंडज ज्ञात कीजिए। तो सखंडज ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए उपसारणिक, सखंड चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 4.5। कह रहा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। देखिए भाई साहब, इसमें क्या है कि जो प्रश्न संख्या 1 और 2 है, इसका क्या बताना है? सखंडज यानी एडजॉइंट बताना है। तो सखंडज के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए उपसारणिक और सहखंड, दो चीज चाहिए। यदि आपको दो चीज पता है तो आप सखंडज निकाल लेंगे बिल्कुल इजी तरीका से। सबको पता है ना, पहले ही आप लोग को बता चुके हैं कि हम इसका थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला और एग्जाम्पल सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर इसको निकालने में क्या जा रहा है? आप खुद से भी कर सकते हो। चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, आ जाइए। तो हम पहले से ही क्वेश्चन लिख चुके थे, बस क्वेश्चन नंबर 1 लिखना बाकी है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, 1, 2 और 3, 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सखंडज बताना है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो दिया है ना, इसको मान लेते हैं। पहले आप सॉल्यूशन लिखो, इसको करो कि माना ए बराबर क्या, इसको ए बराबर क्या माने, ए मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसको मतलब हम ए मान लिया। ठीक है, और ये हमारा कितने बाई कितने का अवयव है, 2 बाई 2 का, तो यहाँ पर लिख लेंगे यह
दो बाई दो क्रम का अभ्यूह है, या 2 बाई 2 क्रम का अभ्यूह है। तो देखिए, पहले आप पता कर लीजिए कि यदि आपको सखंड निकालना है तो आपको चाहिए उपसरणिक। तो हम क्या करेंगे, इसका उपसरणिक निकालते हैं। ओके, उपसरणिक सबको निकालने आता है। उपसरणिक, उपसरणिक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MIJ। चलो पहले एक का उपसरणिक निकालेंगे, क्या होगा, एक का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M11 क्या होगा, इधर खत्म इधर खत्म, क्या हो जाएगा, चार ना, चार। फिर दो का उपसारणिक, दो का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M12। ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये तीन है ना, यहाँ पर तीन हो जाएगा। फिर इस तीन का उपसारणिक, तीन का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21। इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, क्या है, दो ना, तो हो जाएगा दो। फिर ये चार है, चार का उपसारणिक, उपसारणिक क्या हो जाएगा, M22। ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, क्या है, एक, तो यहाँ पर हो जाएगा एक। ठीक है, सबका उपसारणिक हमने निकाल लिया। अब इसका सखंड निकालेंगे, तभी ना सखंड निकलेगा। अब हम सखंड निकालेंगे इसका। सबको तो पता होगा ही, क्योंकि आप लोग पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सखंडज को किससे सूचित करते हैं, AIJ से। तो निकालो, A11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर i और j का मान है 1 + 1 into यहाँ होता है M11। -1 के पावर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 into M11। M11 का मान कितना, 4 है ना, 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4। फिर A12 ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 और 2 कितना, 3। M12 का मान कितना है, 3 ना, तो यहाँ पर भर दो 3। तो -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा, -3। फिर A21 निकालेंगे, A21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर में 2 + 1 इंटू M21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 2 और 1 3। M21 का मान कितना है, 2 है ना, 2 भर दो, तो हो जाएगा -1 × 2 बराबर -2। फिर A22 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22 ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू M22 का मान कितना, 1 है ना, यहाँ पर 1 लिखो, बराबर -1 के पावर 4 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 4 1 इंटू 1 बराबर 1, इतना आ गया। ठीक है, यानी जो हमारा सखंड आया मेरे दोस्त, कितना आया बताओ, सखंड जो आया है वो आ गया हमारा 4 - 3, 4 - 3 - 2 1, ये हमारा सखंड हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सखंडज निकालेंगे। ठीक है, आइए अब हम सखंडज निकालते हैं। सखंडज मतलब AD-J। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सखंडज कैसे निकलता है, सखंड को परिवर्तन कर देते हैं, तो इसको परिवर्तन करो, इस रो को कलन लिख दो, तो हो जाएगा 4 - 3 - 2 1, ये देखो हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा सखंडज हो गया। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जिनको उपसारणिक निकालने आ गया, जिनको सखंड निकालने आ गया, और जिसको सखंड निकालने आ गया उसको सखंडज आ जाएगा, बस इसको परिवर्तन तो करना होता है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस आपको
उपसारणिक, सखंड, अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सखंड और सखंडज कुछ नहीं है और नहीं ए इनवर्स कुछ है, व्युत्क्रम भी कुछ नहीं है। ये सब उपसारणिक और सखंड और सखंडज ये तीन चीज़ पता है आप लोगों को, तो आपके लिए पूरा चैप्टर ईजी है। और ऐसे भी बहुत ईजी है क्योंकि इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि मतलब बहुत ईजी रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, ज़्यादा बात बताने की जरूरत है नहीं। ओके, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सेम क्वेश्चन यही है, बस फर्क क्या है कि अभी 3x3 में है। तो हम एक क्वेश्चन को निकाल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, 3x3 में भी एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आप लोग कुछ हेल्प मिले। ओके, आओ आओ, कुछ हेल्प करने के लिए स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर जो दो होमवर्क में भी देंगे, क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना फर्ज बनता है। हमको सॉल्व करने से तो कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं, आप लोग सॉल्व करेंगे तो वही प्रॉफिट होगा आप लोग के लिए। ठीक है ना, मान लो हम सभी क्वेश्चन कर ही दिए तो क्या प्रॉफिट, जब तक आप नहीं करोगे तो हम थोड़ी जाएंगे आपके एग्जाम देने, आप ही लोग को देना है। ठीक है, चलिए, अब ये 2x2 में है, 3x3 में है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी मान लेंगे कि ए, जस्ट उसी तरह से बनेगा, बस ये 3x3 में हो गया। ठीक है, माना ए बराबर 1 1 2 2 3 5 2 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा कितने बाई कितने का है, 2x2 का, 3x3 का है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे यह 3x3 क्रम का अभिव्यू है, 3x3 क्रम का अभिव्यू है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका उपसारणिक निकालेंगे। निकालिए उपसारणिक, यानी MIJ निकालो। सबसे पहले एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 3501 बच गया, 3501 इसको निकाल दो। एक ले और 3 से करेंगे 3, 5 ले 0 से करेंगे 0, यानी आ गया 3। फिर इस एक का निकालेंगे, एक का उपसारणिक M12, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2521, 2521 बराबर, 1 से और 2 से करेंगे 2, माइनस 5 से 2 से करेंगे 10 बराबर, 2 में से -10 जाएगा -8। फिर इस 2 का उपसारणिक निकालेंगे, 2 का उपसारणिक M13, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 2320, 2320 क्या हो जाएगा, 0 से और 2 से 0, माइनस 3 से और 2 से 6, ये हो जाएगा -6। फिर इस 2 का उपसारणिक निकालेंगे। ठीक है, 2 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M21 ये लेंगे, तो इसके सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, 1201, 1201 क्या हो जाएगा, 1 ले और 1 से 1, 2 से और 0 से 0 यानी 1 आ गया। फिर इस 3 का निकालेंगे, 3 का उपसारणिक M22 क्या हो जाएगा, एस सामने वाला खत्म, एस सामने वाला खत्म, 1221, 1221, 1 से और 1 से 1, -2 2 का 4 बराबर -3। फिर 5 का निकालेंगे, 5 का उपसारणिक M23 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1120, 1120 ये हो जाएगा, 0 से 1 से 0, -2 बराबर -2। ठीक है, फिर
इस दो का उपसारणिक निकालेंगे। थोड़ा उपसारणिक है और सखंड निकालने में दिक्कत है, 3/3 वाला में, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ऐसे तो बहुत इजी है, ठीक है। इस दो का निकालिए, दो लेंगे तो सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, और ये तो दो का उपसारणिक M3 हो जाएगा 1, 2, 3, 5, यानी 5 - 6 = -1। फिर 0 का निकालेंगे, 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M32 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 2, 5, 1, 2, 2, 5, 5 + 1 = 5 - 2 = 4 = 1। फिर 1 का निकालेंगे, 1 का उपसारणिक M33 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला, वो सामने वाला खत्म, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, तो हो जाएगा 3 - 2 = 1, यानी उपसारणिक हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब उपसारणिक आ गया, अब का निकालेंगे इसका सखंड, निकालिए अब सखंड निकालते हैं, AIJ, पहले निकालेंगे A11 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 × M11 क्या हो जाएगा, -1, 1 और 1 2 × M11 का मान कितना है, 3 है ना, तब यहाँ पर क्या भर देंगे, 3 = -1 के पावर 2 1 × 3 = 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम निकालेंगे किसका, A12, A12 निकालेंगे, -1 के पावर 1 + 2 × M12 ये हो जाएगा -1 के पावर 1 और 2 3, और M12 का मान कितना, -8 है ना, ऊपर में देखो -8 है, तो ये हो जाएगा -1 × -8 = +8, ठीक है। फिर A13 निकालेंगे क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 3 × M13 तो -1 के पावर 4 × M13 का मान देखो -6 है, तो यहाँ पर भर दो -6, तो 1 × -6 = -6 आ गया। फिर A21 निकालो, तो हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 × M21 बराबर हो जाएगा -1 के पावर 3, और M21 का मान कितना, 1 है ना, 1, -1 × 1 = -1। फिर A22 ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 2 × M22 -1 के पावर 4, M22 का मान कितना है, M22 का मान -3 है, यहाँ पर भर दो -3, तो हो जाएगा 1 × -3 = -3। फिर A23 निकालो, ये हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3 × M23 ये हो जाएगा -1 के पावर 2 और 3 = 5, और M23 का मान -2, तो ये हो जाएगा -1 × -2 = 2, ठीक है। इतना आ गया, अब चलो आ गया, अब क्या निकालेंगे, M23 के बाद M31 A31 क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 1 × M31 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से M31 का मान क्या दिया है, -1 ना, तो हो जाएगा -1 के पावर 4 × -1 = -1। फिर A32 निकालो, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2 × M32 ये हो जाएगा -1 के पावर 3 और 2 × M32 का मान कितना, 1 है ना, तो 1 = -1। फिर हम A33 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 3 M33 ये हो जाएगा -1 के पावर 6, और M33 का मान कितना है, 1 है ना, 1 =
एक, यानी हमारा जो सहखंड आया वो क्या आया, देखो तो पहले तो भरो, 3 8 -6, 3 8 -6, फिर -1 -3 2, -1 -3 2, ये है ना। हाँ, फिर -1 -1 1, -1 -1 1, यानी सखंड इतना आ गया। हमको निकालना है सखंड आज, तो निकाल देंगे यहाँ से परिवर्तन करके, सखंड आज क्या हो जाएगा, इसको परिवर्तन कर देंगे, इस रो को कलन में कर दो, 3 8 -6, इस रो को भी -1 -3 2, इस रो को भी -1 -1 1, देखो हमने कन्वर्ट कर दिया, सखंड आ गया। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो मेरे दोस्त, सखंड और सखंडज। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व तो कर दिया, आप बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को, तभी ना हम समझेंगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो, जिनको समझ में आ गया होगा उनके लिए अब कुछ चैप्टर रह नहीं गया है, बिल्कुल ईजी हो गया, और जिनको समझ में नहीं आया ना एक बार मेरे पास कॉल करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या मतलब आपको जहाँ से भी नंबर मेरा मिला होगा, ठीक है, या स्क्रीन पर आ रहा होगा, अंत में या शुरू में आता होगा, वहाँ से मेरे पास कॉल कर लो और इसके बारे में समझ लो एक बार। ठीक है, एक बार समझा देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ऐसे आपको समझ में आ गया तो कॉल करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वही लोग कॉल करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया ना, और जिनको मेंबरशिप में जुड़ना है वो भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 2 सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो कह रहा है कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ADGA इंटू A इजकल टू डिटर्मिनेंट्स A इंटू I है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, और 3 और 4 के लिए दोनों एक ही जैसा है, ये सिर्फ 2 बाई 2 में है और ये 3 बाई 3 में है, मतलब कि ये थोड़ा उपसारणिक निकालने में थोड़ा देर लगेगा, इसमें जल्दी निकल जाता है। तो हम एक कोई क्वेश्चन को करेंगे, 3 नंबर करेंगे, 4 नंबर आपको करना होगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा तभी आपको ये भी समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो ए, तो हम इसको ए मान लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ADJ, ADJ मतलब सखंडज, इसका सखंडज निकाल लेंगे, उसके बाद और क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट्स, जो ए है उसका, ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, और आई का मान चाहिए, मतलब 4 चीज़ चाहिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 4 चीज़ ए निकाल लेंगे, ADJ निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे, ये सारा काम कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे आपको बताते हैं, आइए, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये तो खत्म हो गया ना, इस पर पेज नहीं बचा, इस पेज को डस्टबिन डाल देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2 हो गया, अब 3 ना, 3 क्या बोला है कि प्रश्न 3 और 4, 3 और 4 सत्यापित कीजिए कि में सत्यापित कीजिए कि ए इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे इंटू ए बराबर होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ए आई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का है कि तीनों बराबर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, क्या दिया है, 2 3 4 6। ठीक है, अब देखो हमें ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्या करेंगे कि माना ए बराबर, हमने क्या किया, इसको ए मान लिया, 2 3 4 6, इसको हमने ए माना। ओके, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए ए डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है,
तो डिटरमिनेंट्स ए निकाल लेते हैं यहीं पर, इसको डिटरमिनेंट्स में चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 6 बराबर हो जाएगा। 6 से और 2 से करेंगे 12, माइनस 4 से और 3 से करेंगे 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। अब हमारे क्या करेंगे देखिए, ठीक है ये हमारा 0 आ गया, और क्या चाहिए, आई भी चाहिए। तो आई का मान क्या होता है पता है ना, आई का जो वैल्यू होता है लिख लेते हैं यहाँ पर, चूँकि आई का जो वैल्यू होता है सबको याद है, 2 बाई 2 में 1001 होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा जो जो चीज़ की आवश्यकता था हमने कर लिया, लेकिन अभी हमें ए डी जे चाहिए, ए डी जे चाहिए ना। तो इसको लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, उपसारणिक निकाल लेंगे। ओके चलिए, तो पहले 2 का उपसारणिक यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले यहाँ पर ऐसे कर लो, पहले उपसारणिक एम आई जे। ठीक है, तो पहले 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या है 6 ना, 6 हो जाएगा। फिर 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक M12, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये 4 है ना, 4 हो जाएगा। फिर 4 का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक M21, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या है 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर 6 का, 6 का उपसारणिक, ये हो जाएगा M22, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, क्या है 2 ना, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, हमने क्या किया, उपसारणिक निकाल लिया, अब सखंड निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए, अब निकालेंगे सखंड ए आई जे। पहले A11 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1 M11 बराबर -1 के पावर 2, और M11 का मान कितना है देखो, 6 है ना, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 6 बराबर -1 के पावर 2, 1 1 से 6 से 6 हो गया। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, A12 -1 के पावर 1 + 2 × M12 बराबर -1 के पावर 1 और 2 3, और M12 का मान, M12 का मान 4 है ना, यहाँ पर क्या भर देंगे 4, तो -1 × 4 बराबर -4। ठीक है, फिर हम A21 हो गया, तो अब A21 निकालेंगे, A21 बराबर -1 के पावर 2 + 1 × M21 बराबर -1 के पावर 2 और 1 3, और M21 का मान 3 है ना, यहाँ पर क्या भरेंगे 3 बराबर -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा -1 × 3 बराबर -3। ठीक है, फिर अभी तो A22 निकालेंगे, A22 -1 के पावर 2 + 2 M22 क्या हो जाएगा -1 के पावर 4, M22 का मान कितना, M22 का मान 2 है ना, यहाँ पर क्या भर देंगे 2 बराबर 1 × 2 बराबर 2। ठीक है, इतना हो गया, सखंड भी निकाल लिए हम लोग, अब क्या निकालेंगे हम लोग, सखंड लिख लेते हैं, पहले पहले सखंड लिख लेते हैं जो आया है, सखंड ए आई जे कितना है हमारे लोग, हम लोग का भर लिख दो यहाँ पे, 6 आया है, -4 आया है, -3 और ये आपका 2, हमने क्या किया लिख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है, ये जो हमारा आया है क्या है, सखंड है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सखंड निकालते हैं ना, तो निकाल लो सखंडज,
सखंडज, जिसको ए डी जे ए बोलते हैं, क्या हो जाएगा? छ और ये हो जाएगा -4 और ये -3 और दे रुक का किए कलर में चेंज कर दिए, ठीक है? वही हमारा क्या होता है, सखंडज, ठीक है? और हम लोग निकाल लिए। बात सबको समझ में आया? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? अभी बताओ, हम लोग ए डी जे निकाल लिए, हम लोग आई भी निकाल लिए, डिटरमिनेंट्स ए भी निकाल लिए और ए भी निकाल लिए। तो अब आपका जो क्वेश्चन का है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है? प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से क्या कहा है क्वेश्चन, कि ए इंटू ए डी जे ए बराबर होना चाहिए ए डी जे ए इंटू ए, अब बराबर डिटरमिनेंट्स ए इंटू आई, ठीक है? तो ए ए का वैल्यू क्या है बताओ? तो ए का वैल्यू है इतना, 2 3 4 6, लिखो पहले। ए का जो वैल्यू है 2 3 4 6 इंटू ए डी जे, ए डी जे का वैल्यू ये वाला है 6 -3 -4 2 बराबर ए डी जे, ए डी जे का वैल्यू वही 6 -3 -4 2 इंटू ए, ए का वैल्यू ये वाला 2 3 4 6 बराबर। डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू देखो, डिटरमिनेंट्स ए का जो वैल्यू है 0, भर दो 0, इंटू आई, आई का वैल्यू 1001 हमने लिख लिया, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको अभी का गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई आता है ना? इस रो को लेंगे तो इस कलन से, फिर इस रो से इस कलन से, फिर इस रो को इस कलन से, फिर इस रो को इस कलन से करा देंगे। तो 6 2 6 12 और 4 3 12 प्लस और माइनस माइनस होगा, फिर 2 से -6 3 से -6 3 से और 2 से +6 4 से और 6 से 24 -4 से -24 फिर 4 से -3 से -12 6 से 2 से +12 इतना हो गया बराबर। इसको करेंगे तो 6 दूनी का 12 -3 से और 4 से 12 फिर 6 से 3 से 18 -3 से 6 से -18 -4 से 2 से -8 2 से 4 से +8 -4 से 3 से -12 2 से 6 से +12 इतना हो गया अब बराबर। और इसको 0 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या कर देगा, 0 0, ठीक है? अब देखो, 12 में से 12 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 24 में 24 जाएगा 0, 12 में से 12 जाएगा 0, सब 0 0 हो गया। अब ये देखो, 12 में से 12 जाएगा 0, 18 में से 18 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 12 में से 12 जाएगा 0, सब 0 कर दिया, ठीक है? ए 0 ए 0 ए 0 ए 0 यानी सब क्या हो गया, 0 0 हो गया, ठीक है? यानी हमारा क्या निकला, हम लोग से कहा था क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो तो क्वेश्चन में कहा गया था कि तीनों क्या होना चाहिए, बराबर। देखो हम लोग तीनों क्या हुआ, बराबर आ गया, सब 0 0 आ गया यानी बराबर हो गया, ठीक है? सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 था और 4 है, दोनों एक ही ऐसा बनेगा। तो ये 2 बाई 2 में था और ये 3 बाई 3 में है, तो एक काम आपके लिए दे रहे हैं, आप 3 बाई 3 में जस्ट इसी तरह से इसको बनाना। बस फर्क क्या है कि जो उपसारणिक 4 लिखे हैं इसमें 9 गो उपसारणिक निकलेगा, इस 4 सखंड के बदले 9 गो सखंड निकलेगा, बाकी सेम प्रोसेस है, सब एक ही जैसा करते चले जाना है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है?
ये होमवर्क में आपके लिए है, आप इसको जरूर बनाइएगा और मेरे पास सेंड करिएगा, जो हमारे बच्चे मेंबरशिप में जुड़ चुके हैं, ठीक है। मेंबरशिप वाले का नंबर पता है, उन पर कॉल करके इसको बना करके मेरे पास सेंड करना होगा, हम चेक करके आपको रिप्लाई देंगे। बात समझ में आया सबको? बनाओगे ना? छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ना कुछ होगा, ऐसे थोड़ी कुछ होने वाला है, मेहनत करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये कह रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन में हम सभी क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और आप लोग भी देखते देखते बोरिंग हो जाओगे। तो एक काम करते हैं कि एक क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं यदि, तो आप लोग 6 बना लीजिएगा क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, और एक 7 बना देते हैं तो एक ही जैसा 8, 9, 10 यानी 8, 9, 10 है, तो आप इन तीनों को सॉल्व कर दीजिएगा और एक 11 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हट करके है, ठीक है। तो एक हम 5 सॉल्व कर दे रहे हैं, एक 7 और एक 11, बाकी जो भी बच जाएगा आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग बना करके मेरे पास सेंड करिएगा, ओके। तो देखिए एक बात बताते हैं पहली, अब 5 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा तो सारा क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। और इसमें कुछ है नहीं, बस जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 4 तक करते आ रहे हैं ना, ए 4 तक 1, 2, 3, 4 किए हैं, उससे मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना है, बाकी सेम प्रोसेस वही होगा। आपको ADJ निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी, जो अभी तक आप काम कर रहे हैं इसमें भी वही काम करेंगे, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में बताए हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल बनाए होंगे तो आप लोग को याद होगा अच्छा से, ऐसे बात नहीं है कि आप लोग को नहीं याद होगा, अच्छे से आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए, व्युत्क्रम निकालना है मतलब ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2 - 2 = 4, 3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करें हम, पहले हम इसको सॉल्यूशन लिख देते हैं, SOL लिख के पावर एंड डाल दो, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको पहले मान लो A, माना A बराबर 2 - 2 = 4, 3। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि A इनवर्स में क्या क्या चाहिए, तो डिटर्मिनेंट्स A भी चाहिए और ADJ चाहिए, ठीक है। तब पहले यहीं पर हम डिटर्मिनेंट्स A निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे चल करके पता है कि चाहिए। तो डिटर्मिनेंट्स A क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 4, 3, इसको निकाल लेते हैं, 3 × 2 = 6 और -4 × -8, तो क्या हो जाएगा, 6 + 8 = 14। चलिए अब हम ADJ निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले उपसारणिक निकाल लेते हैं, पहले उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक क्या होता है, MIJ से सूचित करते हैं उपसारणिक को, तो क्या होगा, पहले 2 का उपसारणिक ना निकालो, 2 का उपसारणिक, 2 का उपसारणिक यानी M11 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म है, सामने वाला खत्म, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस दो का उपसारणिक M12 क्या हो जाएगा, ये सामने वाला खत्म है, सामने वाला खत्म है, हो जाएगा 4। फिर 4 का उपसारणिक M21, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, क्या बच गया, -2, तो हो जाएगा -2, ठीक है। फिर 3 का उपसारणिक
तीन का रूप सारणिक एम टू टू, ये सामने वाला खत्म, ये सामने वाला खत्म, ये दो है, यहाँ पर हो जाएगा दो। ठीक है, अब क्या उपसारणिक तो हम लोग निकाल लिया, अब निकालेंगे सहखंड। ठीक है, अब सहखंड निकाल लेते हैं। अब सहखंड यानी ए आई जे, सहखंड कैसे निकालेंगे पता है ना, ए वन वन बराबर माइनस वन के पावर वन प्लस वन एम वन वन, सबको पता है सहखंड निकालना। तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर एक और एक दो इंटू एम वन वन, एम वन का मान कितना है थ्री, ये हो जाएगा थ्री। फिर ए वन टू, ये हो जाएगा माइनस वन के पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन के पावर एक और दो तीन, और एम वन टू का मान कितना है चार है ना, तो यहाँ पर भर दो चार, माइनस एक के पावर तीन माइनस एक, माइनस एक और चार से करेंगे माइनस चार हो गया। फिर ए टू वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन के पावर टू प्लस वन इंटू एम टू वन, बराबर हो जाएगा माइनस वन के पावर तीन, एम टू वन का मान कितना माइनस टू है ना, माइनस टू, माइनस एक के पावर तीन माइनस एक से माइनस दो से करेंगे प्लस टू। फिर हम ए टू टू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस वन के पावर टू प्लस टू इंटू एम टू टू, क्या हो जाएगा माइनस वन के पावर एक दो और दो चार, और एम टू टू का मान कितना है दो है ना दो, ये हो जाएगा दो, इतना। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, आया ना समझ में, अभी बताओ सबको समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत नहीं है सखंड तक, तो यहाँ से सखंड लिख लो, सखंड कितना है आपका तीन माइनस चार दो और दो, इतना आया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसका सखंडज निकाल लेते हैं, एडीजे सखंडज यानी एडीजे, क्या हो जाएगा इस रो को कलन में कर दो तीन माइनस चार और ये दो दो, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला था व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। ठीक है, निकाल देंगे एक का व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम लिखते हैं, ए इनवर्स से लिख लो, यही होगा एक का व्युत्क्रम। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई डिटर्मिनेंट्स ए ए डी जे। ठीक है, तो हो जाएगा ए इनवर्स इजकल टू वन बाई डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना है चौदह, और ए डी जे का वैल्यू कितना है तीन दो माइनस चार दो, तीन दो माइनस चार दो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कंप्लीट हो तो गया। बस आप ए व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है, जब आपसे बोले कि हाँ ए का हम मान कर चलते हैं कि ए है, यदि यहाँ बी मानता तो यहाँ पर हम बी इनवर्स लिखते, यहाँ ए है तो ए इनवर्स, यदि यहाँ सी रहता तो यहाँ पर हम सी इनवर्स लिखते, फर्क इतना ही है। ठीक है, तो बस आंसर हो गया, यही तो निकाला जाता है, ए व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है वन बाई डिटरमिनेंट्स ए ए डी जे, जो कि आपको थ्योरी में पढ़ाया है। ठीक है, समझ में आया सबको, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, बनेगा सभी लोग से, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, बताते रहना यार। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब सो जाओ, मेरे को व्हाट्सएप पर बताओ, कॉल करके बताओ, मतलब जैसे भी कहो, हम आपको लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, जैसे भी आपको समझ में आना चाहिए। फाइव हो गया, अब सिक्स देखो, जस्ट फाइव ही की तरह सिक्स भी बनेगा, आप लोग तो कर सकते हो, यू कैन डू इट। ओके, अब एक सेवन को सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि थ्री बाई थ्री वाला है। ठीक है, आइए सेवन नंबर सॉल्व करते हैं, सेवन नंबर पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन पहले लिख लेते हैं, एक दो तीन जीरो दो कितना है चार, जीरो जीरो पाँच है, इतना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए मानेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करो, माना ए बराबर एक दो तीन
जीरो दो चार जीरो जीरो पाँच, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। एक का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एक दो तीन जीरो दो चार जीरो जीरो पाँच, ठीक है। निकालो क्या होगा, पहले एक लेंगे, एक लेंगे सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, दो चार जीरो पाँच, दो चार जीरो पाँच, फिर माइनस टू है ना, टू, फिर ये लेंगे तो एक ख़त्म और एक ख़त्म, बचेगा जीरो चार जीरो पाँच प्लस, फिर लेंगे तीन, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, जीरो दो जीरो जीरो, जीरो दो जीरो जीरो। अब करेंगे वन, पाँच से दो से दस, जीरो से चार से जीरो, माइनस टू, पाँच से जीरो से जीरो, चार से जीरो से जीरो, प्लस तीन, जीरो से जीरो जीरो, जीरो से दो से जीरो, क्या हो जाएगा वन, दस में से जीरो जाएगा दस, माइनस टू जीरो, प्लस तीन जीरो, दस ले वन से दस, माइनस जीरो प्लस जीरो, बराबर क्या हो गया दस। ये हमारा आंसर नहीं आया अभी, डिटर्मिनेंट्स एक का वैल्यू जीरो आया, दस आया, ठीक है, हमारा जो कि आगे काम है। अब क्या करेंगे, इसका उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं, पहले वन का लिखेंगे, पहले उपसारणिक, पहले उपसारणिक एम आई जे निकालते हैं, तो वन का निकालेंगे ना, इस वन का निकालेंगे, लिखो वन का उपसारणिक एम वन वन क्या हो जाएगा, ए लेंगे इसके सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, दो चार जीरो पाँच, दो चार जीरो पाँच, पाँच से दो से दस, चार से जीरो, दस में से जीरो जाएगा दस, फिर टू है ना, टू का उपसारणिक, टू का उपसारणिक एम वन टू क्या हो जाएगा, ए सामने वाला ख़त्म, ए सामने वाला ख़त्म, जीरो चार जीरो पाँच, जीरो चार जीरो पाँच क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो, ठीक है। फिर तीन का उपसारणिक, तीन का उपसारणिक एम वन थ्री क्या हो जाएगा, ए सामने वाला ख़त्म, ए सामने वाला ख़त्म, जीरो दो जीरो जीरो, जीरो दो जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। फिर जीरो का उपसारणिक निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक एम टू वन क्या हो जाएगा, ए सामने वाला ख़त्म, ए सामने वाला ख़त्म, दो तीन जीरो पाँच, दो तीन जीरो पाँच क्या हो जाएगा, पाँच दूनी का दस, तीन से जीरो से जीरो, ये हो जाएगा दस। फिर इस दो का उपसारणिक, ठीक है, दो का उपसारणिक यानी एम टू टू क्या हो जाएगा, ए सामने वाला ख़त्म, ए सामने वाला ख़त्म, एक तीन जीरो पाँच, एक तीन जीरो पाँच क्या हो जाएगा, पाँच से और एक से पाँच, माइनस तीन से और जीरो से जीरो, पाँच में से जीरो जाएगा पाँच। फिर इस चार का उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है, चार का
उपसारणिक M2 3 क्या हो जाएगा, एस सामने वाला खत्म, एस सामने वाला खत्म, 1 2 0 0 1 2 0 0 क्या हो जाएगा, 0 - 0 = 0। फिर इस 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M31 क्या हो जाएगा, इस सामने वाला खत्म, इस सामने वाला खत्म, 2 3 2 4 2 3 2 4 4 2 8 3 2 6 ये हो जाएगा 2। फिर इस 0 का उपसारणिक निकालेंगे, 0 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, M32 एस सामने वाला खत्म, एस सामने वाला खत्म, 1 3 0 4 1 3 0 4 4 × 1 = 4 3 × 0 = 0 ये हो गया 4। ठीक है, फिर 5 का निकालेंगे, 5 का उपसारणिक, 5 का उपसारणिक M33 क्या हो जाएगा, इस सामने वाला खत्म, इस सामने वाला खत्म, 1 2 0 2 1 2 0 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 2 × 0 = 0 2 में से 0 जाएगा 2 आ गया, यानी हमारा उपसारणिक इतना आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे इसका, उपसारणिक के बाद सखंड ना, चलिए पेज तो खत्म हो गया, न्यू पेज आते हैं, सखंड इसका निकालते हैं। आइए, बहुत लॉन्ग होता है ना, कोई बात नहीं है, एक ही बार ना 12th क्लास में पढ़ना है, बार बार थोड़ी पढ़ना है आप लोगों को। चलिए सखंड निकालते हैं, AIJ क्या हो जाएगा, पहले A11 निकालेंगे, तो -1^(1+1)×M11 क्या हो जाएगा, -1^2 M11 का मान कितना है, 10 है, 10 है, तो भर दो, 10 = 10 आ गया। फिर A12 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1^(1+2)×M12 -1^3 M12 का मान, M12 का मान 0 है ना, 0 -1^3 और 0 से करेंगे तो 0 कर देगा। फिर A13 -1^(1+3) × M13 ये हो जाएगा -1^(1 और 3 = 4) × M13 M13 का मान 0 है ना, 0 ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम A21 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1^(2+1) × M21 −1^(2 + 1) 3 और M21 का मान कितना, 10 है ना, यहाँ पर 10 भर दो, ये हो जाएगा -10। फिर A21 हो गया A22 निकाल दो, −1^(2+2)×M22 ये हो जाएगा −1^4 और M22 का मान कितना, 5 है ना, भर दो 5, ये हो जाएगा 5। फिर A23 निकाल दो, −1^(2+3)×M23 −1^5×M23 M23 का मान कितना, 0 है ना, यहाँ पर भर दो 0, क्या हो जाएगा, −1^5 कितना, −1 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर A31 निकाल दो, −1^(3+1)×M31 −1^4)×M31 M31 का मान कितना, 2 है ना,
यहाँ पर दो भर दो, बराबर हो जाएगा दो। ए थ्री टू निकाल दो, ये हो जाएगा माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू एम थ्री टू, बराबर माइनस वन के पावर पाँच एम थ्री टू का मान, एम थ्री टू का मान है चार, तो यहाँ पर भर दो चार बराबर माइनस चार। फिर ए थ्री थ्री निकालो, माइनस वन के पावर छः एम थ्री थ्री, एम थ्री थ्री का मान दो है ना, तो भर दो दो, तो क्या आ जाएगा माइनस वन के पावर कितना, माइनस वन के पावर हो जाएगा छः इंटू एम थ्री थ्री का मान कितना है, एम थ्री थ्री का मान आपका है टू ना, तो टू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। ओके, तो हम लोग का सखंड आ गया, ठीक है। सखंड क्या आया, इसको लिख लेते हैं, दस जीरो जीरो माइनस दस पाँच जीरो दो माइनस चार दो, इतना आ गया, ठीक है। अब सखंड इतना आ गया, आप क्या निकालेंगे इसका सखंडज, सखंडज निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, इस रो को कलन में कर दो, दस जीरो जीरो, इस रो को भी कलन में कर दो, माइनस दस पाँच जीरो, इस रो को भी दो माइनस चार दो, ये हो गया सखंडज, ठीक है। आपको निकालना है ए इन्वर्स यानी व्युत्क्रम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई डिटर्मिनेंट से ए डी जे, तो ए डी जे वाला है, लिख दो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा वन बाई डिटर्मिनेंट्स, ए का वैल्यू कितना है दस ना, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना है दस, तो दस भर दो, और ए डी जे का मान दस माइनस दस दो जीरो पाँच माइनस चार जीरो जीरो दो, ये जो आया हमारा ए इन्वर्स आ गया, ठीक है। हमसे इन्वर्स निकालने के लिए बोला था, हम लोग निकाल लिए, यही तो है। तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ बनेगा, नौ बनेगा, दस बनेगा, ग्यारह कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर कॉस अल्फा है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बुक में देखिएगा तो अल्फा दिया होगा, अल्फा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग कैटेगरी का है, यहाँ कॉस साइन कर दिया है, तो आप लोग घबरा जाएंगे कि सर ये कैसे हुआ कैसे हुआ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, कर देना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ग्यारह ना, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह को भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या है, वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इजी ही है, आप इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पहले हम क्या करेंगे, इसको माना ए, इसको हम ए मान लेंगे, ठीक है, इसको ए मान लीजिए, वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको हमने ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आगे काम है, तो निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स, वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इसका डिटर्मिनेंट्स पहले निकाल लेते हैं, वन लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म, ये सामने वाला ख़त्म, ये बच जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर जीरो लेंगे, ये सामने वाला ख़त्म जीरो साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा, फिर प्लस जीरो लेंगे, सामने वाला ख़त्म जीरो कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा जीरो कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा,
क्या हो जाएगा, वन लेंगे कॉस अल्फा से, कॉस अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा से, साइन अल्फा से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ एक बात और, क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस कॉस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस दो, यहाँ पर माइनस कॉस और यहाँ भी माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, ये मिस्टेक हो गया था। और ये जीरो तो करेगा तो सब मतलब जीरो ही करेगा, ठीक है, सब जीरो हो गया। यहाँ पर आ जाओ, वन से इतना में करेंगे तो आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो क्या होगा, ये दोनों में माइनस है तो माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस वन, ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है वन, तो माइनस वन सर वन से करेंगे माइनस वन हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर नहीं ए का डिटर्मिनेंट्स आ गया। पता है ना इस फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक कह लो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन कह लो, बात एक ही है, तो थीटा की जगह क्या है सिर्फ अल्फा है, इतना बराबर एक चाहे इतना बराबर एक, बात तो की है ना, बस थीटा की जगह अल्फा है, तो वही हमारा सूत्र होता है एक ही होगा, यानी माइनस वन से वन से करेंगे माइनस वन हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसका उपसारणिक निकालेंगे, ठीक है, आ जाओ पहले उपसारणिक एम आई जे, पहले उपसारणिक एम आई जे क्या होगा, एक का उपसारणिक निकालेंगे, एक का उपसारणिक यानी एम वन वन क्या हो जाएगा, एक उपसारणिक के लिए ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा लिख लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा से माइनस कॉस अल्फा से माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो अभी माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों में माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा वन ना, तो यानी माइनस वन आ गया, ठीक है। फिर जीरो का उपसारणिक निकालो, जीरो का उपसारणिक एम वन टू क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, जीरो साइन अल्फा जीरो माइनस कॉस अल्फा, जीरो साइन अल्फा जीरो माइनस कॉस अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा से जीरो से जीरो, साइन अल्फा से जीरो यानी जीरो माइनस जीरो जीरो। फिर इस जीरो का उपसारणिक निकालेंगे, चलो जीरो का उपसारणिक क्या हो जाएगा एम वन थ्री क्या होगा, इसके सामने वाला खत्म, ए इसके सामने वाला खत्म, जीरो कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा, जीरो कॉस अल्फा जीरो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा से जीरो कॉस अल्फा से जीरो बराबर जीरो, ठीक है। फिर इस जीरो का निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक एम टू वन क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, इसके सामने वाला खत्म, जीरो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, जीरो जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। फिर कॉस अल्फा का उपसारणिक, कॉस अल्फा का उपसारणिक क्या हो जाएगा एम टू टू, तो ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, एक जीरो जीरो माइनस कॉस अल्फा, एक जीरो जीरो
माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस वन कॉस अल्फा से और वन से, माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो बराबर माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब इतनी है ना, इधर पे नहीं है, न्यू पे लाते हैं। ठीक है, चलो इसको लिए ना, कॉस अल्फा को लेते हैं, अब साइन अल्फा को लेते हैं। आ जाओ, साइन अल्फा को लेते हैं, साइन अल्फा का उपसारणिक एम टू थ्री क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म और ए सामने वाला खत्म, एक जीरो जीरो साइन अल्फा, एक जीरो जीरो साइन अल्फा, वन से और साइन अल्फा से, साइन अल्फा माइनस जीरो बराबर साइन अल्फा। ठीक है, फिर जीरो का उपसारणिक निकालेंगे, जीरो का उपसारणिक, ठीक है, जीरो का उपसारणिक यानी क्या हो जाएगा, एम थ्री वन। ठीक है, एम थ्री वन क्या हो जाएगा, ए सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, जीरो जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, जीरो जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा से जीरो से जीरो, जीरो से कॉस अल्फा से जीरो बराबर जीरो। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, साइन अल्फा का उपसारणिक, साइन अल्फा का उपसारणिक एम थ्री टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला खत्म, ए सामने वाला खत्म, एक जीरो जीरो साइन अल्फा, एक जीरो जीरो साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, साइन अल्फा सर वन से, साइन अल्फा माइनस जीरो बराबर साइन अल्फा। ठीक है, अब ये देखो माइनस कॉस अल्फा है, ठीक है, इसका भी निकाल देते हैं, माइनस कॉस अल्फा का उपसारणिक क्या हो जाएगा, एम थ्री थ्री, ये हो जाएगा हम लोग का इधर सामने खत्म, ये सामने खत्म, एक जीरो जीरो कॉस अल्फा, एक जीरो जीरो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस जीरो बराबर कॉस अल्फा। ठीक है, इतना हो गया, यानी हम लोग का उपसारणिक आ गया। अब क्या निकालेंगे, उपसारणिक तो हो गया ना, उपसारणिक हो गया, अब क्या निकालेंगे, सखंड, चलिए सखंड निकालते हैं बारी बारी से, सखंड निकाल देते हैं। अब सखंड ए आई जे, पहले ए वन वन के निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस वन के पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, तो हो जाएगा माइनस वन के पावर एक और एक दो, और एम वन वन का मान कितना है, एम वन वन का मान माइनस एक है ना, तो भर दो माइनस एक, तो वहाँ से आ जाएगा माइनस एक। फिर ए वन टू का माइनस वन के पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू बराबर हो जाएगा माइनस एक के पावर तीन, और एम वन टू का मान, एम वन टू का मान जीरो है ना, तो यहाँ पर भर दो जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। फिर ए वन थ्री माइनस वन के पावर वन प्लस थ्री एम वन थ्री, तो हो जाएगा माइनस वन के पावर फोर एम वन थ्री, एम वन थ्री, एम वन थ्री के मान जीरो है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे जीरो भर देंगे बराबर जीरो। फिर ए टू वन क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर टू प्लस वन एम टू वन बराबर माइनस वन के पावर थ्री, एम टू वन का मान कितना है, एम टू वन मान का जीरो, तो यहाँ पर क्या भरेंगे जीरो, ये भी आ जाएगा जीरो। फिर ए टू टू ये क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर टू प्लस टू एम टू टू, ये हो जाएगा माइनस एक के पावर चार एम टू टू, एम टू टू का मान कितना, माइनस कॉस अल्फा है, यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा, तो
ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको। अब क्या निकालेंगे, ए थ्री वन तो हो जाएगा माइनस वन के पावर थ्री प्लस वन इन टू एम थ्री वन, तो हो जाएगा माइनस वन के पावर चार। एम थ्री वन का मान कितना, जीरो है ना, जीरो बराबर जीरो। ए थ्री टू माइनस वन के पावर थ्री प्लस टू इन टू एम थ्री टू क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर फाइव एम थ्री टू साइन अल्फा है ना, तो यहाँ पर भर दो साइन अल्फा बराबर माइनस साइन अल्फा। फिर ए थ्री थ्री माइनस वन के पावर थ्री प्लस थ्री एम थ्री थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर छः एम थ्री थ्री, एम थ्री थ्री का मान कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा ये आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, यानी हमारा सहखंड आ गया। तो लिख लो यहाँ पर जो सहखंड आया, माइनस एक जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा नहीं जीरो, मिस्टेक हो रहा है क्या, माइनस एक जीरो जीरो माइनस एक जीरो जीरो फिर जीरो जीरो माइनस कॉस अल्फा जीरो फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ही निकला यार। एम ए टू टू के बाद ए थ्री थ्री हम लोग नहीं निकाले हैं, ठीक है छोड़ दिए हैं, मिस्टेक हो गया। माइनस वन के पावर थ्री प्लस थ्री एम थ्री थ्री बराबर हो जाएगा माइनस वन के पावर छः इंटू एम थ्री थ्री ए थ्री थ्री ए टू थ्री ना ए टू थ्री, ए टू थ्री का मान कितना देखो, तो ए टू थ्री का मान साइन अल्फा यार, यहाँ पर भर दो इसको साइन अल्फा बराबर क्या जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा और ए जीरो ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, यहाँ पर जो ए टू थ्री का मान होगा साइन अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस एक जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। ठीक है, अब इसका सहखंडज निकाल दो, सहखंडज यानी ए डी जे क्या हो जाएगा, इस रो को कलन में कर दो माइनस एक जीरो जीरो, इस रो को भी कलन में कर दो जीरो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, इस रो को भी कलन में कर दो जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ए इन्वर्स निकाल देते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला पता है ना कि वन बाई ए ए डी जे ए, तो ए इन्वर्स इजकल टू हो जाएगा वन बटा माइनस वन, क्योंकि डिटर्मिनेंट से एक वैल्यू माइनस वन लाए थे, और ए डी जे का मान कितना है भर दो माइनस एक जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी यहाँ से ए इन्वर्स का जो वैल्यू होगा माइनस एक में इसमें करेंगे तो क्या होगा एक जीरो 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 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस यानी साइन अल्फा और ये माइनस और ये प्लस जीरो जीरो से माइनस है माइनस जीरो होगा माइनस अल्फा माइनस वन से और साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा माइनस वन से कॉस अल्फा से माइनस कॉस अल्फा इतना आ गया इनवर्स इतना आया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कोई किसी को मिस्टेक नहीं है ना, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यह हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब तो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 11 था ये भी कंप्लीट हो गया, तो आप लोग 11 तक कंप्लीट कर लिए। इसमें कुछ था नहीं मेरे दोस्त, सब भी क्वेश्चन एक ही जैसा तो है। देखो 11 में क्या था, बस कॉस अल्फा साइन अल्फा डाला था डरवाने के लिए हम लोग को। ठीक है, बस हल करते चले जाओ, जस्ट उसी तरह से पूरा सॉल्व हो जाएगा, बन गया। तो वीडियो अब ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वीडियो को रोकते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे, जो वीडियो मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को होगा, जो पेड करेंगे 499 रुपीज़ उनके लिए होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है मेरे दोस्त, आपको रियलिटी बताते हैं, हमारे यूट्यूब से कोई खास कमाई नहीं होता है। खास कमीनी का मतलब कि तीन चार मंथ में मतलब $100 बनता है, 7,500 रुपया, आप नहीं बात मतलब नहीं मानोगे। ठीक है,
तो आप ही लोग बताओ मेहनत कैसे करेंगे, दूसरा कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, ठीक है। आप इन लोग को सपोर्ट करना है और क्या हम कर सकते हैं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो वीडियो आते रहेगा, ठीक है। तो पार्ट वन तो आप लोग का हो गया, पार्ट टू के लिए आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन करिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, कॉल करके या मैसेज करके आप यदि मेंबरशिप में जुड़ते हैं उसके बाद आपको पार्ट टू मिलेगा, 12, 13, 14, 15 जो भी वीडियो है आगे क्वेश्चन सारा वीडियो उसमें मिलेगा, ये वीडियो प्राइवेट रहेगा, ठीक है। वहीं बच्चे देख सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़े हैं, रियलिटी आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।